हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पे सेकंड वीडियो है। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे है, यूट्यूब चैनल पर सर्च करके उन्हें फर्स्ट वीडियो देखना है, उसके बाद ही स्टूडेंट को सेकंड पॉइंट समझ में आएंगे। इसलिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे चैनल पर जाइए और फर्स्ट वीडियो देखिए। फर्स्ट वीडियो में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज़ और इंट्रोडक्शन ये चैप्टर का देखा था। आज के इस चैप्टर में हम पॉइंट नंबर 1.1 और 1.2 ये देखेंगे, इंट्रोडक्शंस और की फीचर ऑफ साइंस। की फीचर ऑफ साइंस, सबसे पहले साइंस की मीनिंग हमको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। वी लिव ए एज ऑफ साइंस, ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइंस। साइंस इवोल्यूशन ऑफ होमो स्पेसीज एज स्पेसीज द सेवरल स्टिक ऑफ ह्यूमन काइंड्स हैज लीड ह्यूमन एक्सप्लोजर टू वर्ल्ड अराउंड देम विच ग्रेजुअली लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस साइंस। देखिए स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि साइंस की वजह से 21 सेंचुरीज में कई ऐसी चीज़ें ईजाद हो गई है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ें दुनिया में बनी है और दुनिया में लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं। स्टूडेंट, इसीलिए 21 सेंचुरी को साइंस एज बोला जाता है। हम देखते हैं किस तरह से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइंस के 3 ब्रांचेस बनते हैं, फिजिकल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी, बायोलॉजी साइंस, जूलॉजी बॉटनी फिजियोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 क्वेश्चन आते हैं, वट इज़ अ साइंस एंड वट इज साइकोलॉजी। इन दोनों सवाल को जो हमको इस चैप्टर से में देखना है और दोनों सवालों के जवाब हमको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, 1.2 की फीचर ऑफ साइंस पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम साइंस की मीनिंग डिस्कशन करेंगे। साइंस ये वर्ड लैटिन वर्ड से बना है, साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। साइंस इज़ परस्यू एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड। साइंस की की फीचर्स यहाँ पर 6 दिए हैं। नंबर 1, एम्पिरिकल एविडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक कंसल्टी, सिस्टमेटिक एक्सप्लोजर, रिप्लिकेशंस एंड प्रेडिक्टेबिलिटीज। 1 बाय 1 हम इसको समझते हैं और डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल एविडेंस, साइंस में जब भी हम रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस वो होते हैं जो हमारे रिसर्च को फुलफिल करता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करते हैं, इंफॉर्मेशन हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कलेक्ट करते हैं, और साइंटिफिक नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन वेरिएबल्स एविडेंस। जो भी हम वेरिएबल्स कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए या जिस वेरिएबल्स पे हम काम करते हैं वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होता है, और अगर वो हम कोई चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो वो हमारे एम्पिरिकल एविडेंस होते हैं। जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटीज चेक करना चाहते हैं या उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, अगर हम उसको ऑब्जर्वेशन भी कर पाते हैं, उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर पाते हैं, उस वेरिएबल्स को वेरीफाई भी कर पाते हैं, तो वो एम्पिरिकल बेस्ड एविडेंस होंगे और वो रिसर्च हमारा फुलफिल होगा। ये फर्स्ट पॉइंट एम्पिरिकल एविडेंस पे अभी हमने आपको समझाया, होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम की फीचर ऑफ साइंस का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, ऑब्जेक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिविटीज़ मराठी में वस्तुनिष्ठता बोला जाता है। साइंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो भी रिसर्चर है उसके पास ऑब्जेक्टिविटीज़ होना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू सी एंड एक्सेप्ट द फैक्ट एज दे आर और नॉट एज दे इन्वेस्टिगेटर माइट विश देम टू डू बी। यानी कि ऑब्जेक्टिविटीज़ वो होती है कि जो भी रिसर्चर होता है वो रिसर्चर के पास बायस नहीं होना चाहिए, प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, उसके बिलीफ्स प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसके रिसर्च वर्क,
विशेस एंड वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस, इस तरह के ऑब्जेक्टिविटीज़ की अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो भी वो रिसर्च टॉपिक पे काम कर रहा है, जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उसकी सिस्टमेटिक स्टडी कर रहा है, तो उसमें उसके ऑब्जेक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है। ये पॉइंट नंबर टू है, होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। एग्जाम्पल अगर हम इसमें ये लेंगे तो हम देखेंगे कोई स्टूडेंट्स की अगर हम पर्सनैलिटी का असेसमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी प्रोजोडाइज या बिलीव्स उस पर्सन को लेकर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहते हैं तो हमको प्रोजोडाइज को बाइसेट करना पड़ेगा, बिलीफ्स हमारे जो उसकी लेकर होंगे उसको भी बाइसेट करना पड़ेगा, तभी हमारे रिजल्ट जो होंगे, फैक्ट्स जो होंगे, सही होंगे। होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स हम पॉइंट नंबर थ्री जो की फीचर ऑफ साइंस का वो डिस्कशन करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक कंसल्ट, इसको मराठी में बोलते हैं शास्त्रोक्त कारभार। साइंटिफिक कंसल्टी में क्या होता है, साइंस एम एज फाइंड आउट कॉजेस इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पर जो रिसर्च का मेन एम होता है कि जो भी रिसर्चर रिसर्च कर रहा है उसके वेरिएबल्स जो होते हैं, उसके वेरिएबल्स के कॉजेस और इफेक्ट्स दोनों देखना पड़ते हैं। यानी वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, या कि सपोज हमने अभी जस्ट एग्जांपल आपको बताया पर्सनैलिटी का, किसी स्टूडेंट का हम पर्सनैलिटी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर उस शख्स की एज जो होती है वो भी वेरिएबल्स हो सकता है और उस शख्स की मेंटल एबिलिटीज़ वो भी वेरिएबल्स हो सकता है। तो दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट्स और कॉजेस जब हम कर पाते हैं तो वो साइंटिफिक कंसल्टी कहलाता है। रिसर्चर ट्राई टू कंट्रोल और एक्सट्रोवर्जेंस वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस तरह से ये हो गया पॉइंट नंबर थ्री। अब हम पॉइंट नंबर फोर पे डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर फोर है सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन। साइंस में क्या होता है, जो भी रिसर्च होती है वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होती है, उसको मराठी पद्धतशीर विश्लेषण बोलते हैं। यहाँ पर रिसर्चर उसके सिस्टमेटिक स्टडीज़ में कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है, जैसे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस ऑफ फैक्ट, साइंटिफिक जनरलाइजेशंस एंड प्रेडिक्शंस। ये स्टेप की तरफ जब जाता है रिसर्चर तो वो सिस्टमेटिक एक्सप्लोजर होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम किसी शख्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस की स्टडी करते हैं तो वो हमारा स्टडी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस डाइडेस पर्सन, ये हमारा टाइटल हो जाता है जिसको हम आइडेंटिफाई प्रॉब्लम बोलते हैं। अब उसके बाद हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है जिसको हम टेम्पररी आंसर बोलते हैं, कि हम बोल सकते हैं कि वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करने के बाद हाइपोथेसिस फ्रेम करना पड़ता है। हाइपोथेसिस हमारा टेम्पररी आंसर होता है कि वो इससे मैथमेटिकल प्रॉब्लम लो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम ज़्यादा है, विजुअल प्रॉब्लम्स कम है या एवरेज है, इस तरह की हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। और उसके बाद हम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी हम कुछ टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू उस स्टूडेंट्स का हम डेटा और फैक्ट एनालिसिस होगा। फिर उसके बाद हम जो क्वेश्चनर कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनर के एनालिसिस करेंगे स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन ली और मैनुअल इस्तेमाल करेंगे, इसके बिना पे उस स्टूडेंट का कर सकते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो रिसर्च होती है उसको सिस्टमिक एक्सप्लोरेशन करते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं पॉइंट नंबर फाइव, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन वो होता है कि जो भी रिप्रोडक्टिबिलिटीज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडर द सम सर्कमटाइंसेस स्टेट एनी वेयर एनी टाइम्स, यानी जो भी रिसर्च होती है दुनिया के कोई भी कोने में, कोई भी स्टेट्स में, कोई भी कंट्रीज में, हम उसको सेम रिसर्च सेम पॉइंट पे करते हैं, उसमें रिलायबिलिटीज़ और वैलिडिटी अगर चेंजेस नहीं होती है वो होता है रिप्लिकेबिलिटी। लास्ट पॉइंट है प्रिडिक्टेबिलिटीज़, पूर्व कथन, यानी जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो प्रिडिक्टेबिलिटी इज़ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। साइंटिस्ट टू डू नॉट मियरली डिस्क्राइब द फिनोमिना बींग द स्टडीज बट ऑल्सो अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन एंड फाइंड मेक प्रेडिक्शंस ऑन अकॉर्डिंगली, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स की हम बिहेवियर की स्टडीज़ कर रहे हैं, उसके इंटरनल एबिलिटीज़ की स्टडीज़ कर रहे हैं, एक्सप्लोजर की स्टडीज़ कर रहे हैं, उसको अगर हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, उसका फ्यूचर का अंदाज लगा पाते हैं, वो प्रिडिक्टेबिलिटीज़ होती है। होप सभी स्टूडेंट को की फीचर ऑफ साइंस समझ में आ गए होंगे। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में जाके वो कमेंट्स करना है, नेक्स्ट लेक्चर में उनके कमेंट्स के जरिए उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू।